नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें वनडे में इंडियन ओपनर रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाए। उन्होंने 115 रन बनाए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कप्तान विराट कोहली को रन आउट करवा दिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, जब रोहित के साथ बैटिंग करते हुए विराट आउट हो गए और फिर रोहित ने सेंचुरी लगा दी। पांचवें वनडे में आउट होने के बाद विराट भड़के नजर आए, तो वहीं ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच भी गुस्से में दिखे। बता दें कि 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली रोहित की गलती से रन आउट हो गए। रोहित ने शॉर्ट खेल रन लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था कि फिर मना कर दिया। वहीं तब तक विकेट के बीच जबरदस्त दौड़ लगाने वाले विराट आधी क्रीज पार कर चुके थे। रोहित के मना करने पर जब तक वो लौटते, दुमिनी के डायरेक्ट थ्रो ने गिल्लियां बिखेर दी। 36 रन के निजी स्कोर पर आउट होने के बाद विराट बेहद गुस्से में और भड़के हुए नजर आए। वहीं कोच रवि शास्त्री भी खुश नहीं दिखे। दरअसल विराट काफी अच्छे फॉर्म में हैं और इसके पहले दो मैचों में उन्होंने सेंचुरी और हाफ सेंचुरी लगाई थी। विराट रोहित के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रन की पार्टनरशिप हुई।